Second question on age. 10 years ago. Ago minus. Banu's mother was 4 times means multiply, older than her daughter. After means plus 10 years. The mother will be twice means 2 multiply older than the daughter. Find their present ages. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सपोज कर ले, लेट एज ऑफ मदर इज एक्स, लेट एज ऑफ मदर से दिस इज एक्स, एज ऑफ डॉटर दैट इज बानो से दिस इज वाई. ठीक है, अब 10 years ago, ago means minus, so 10 years ago, 10 year ago, age of mother becomes age of mother become x minus 10 and age of daughter become age of daughter become y minus 10. अब क्वेश्चन में है कि 10 years ago बानूज मदर was 4 times older than her daughter. ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, तो हमने लिखा गिवन दैट 10 years ago age of mother is equal to 4 times age of daughter. Age of daughter. तो ये आएगा एज ऑफ मदर 10 years ago, वो हमारे पास है एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 4. 10 years ago एज ऑफ डॉटर हमारे पास है वाई माइनस 10. अगर यहाँ पे आप लोगों ने ये और ये लिखा तो ये गलत होगा. क्यों गलत होगा? क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 10 years ago एज. हो तो 10 years ago एज हमारे पास है एक्स माइनस 10 और वाई माइनस 10. तो क्या आएगा? एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 4y और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले माइनस 40. ये 10 इस साइड पे ट्रांसफ़र कर ले, सो एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 40 और ये आ जाएगा प्लस 10. सो एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 30. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. क्वेश्चन में अगेन गिवन है आफ्टर 10 years. तो मैंने कहा कि आफ्टर का मतलब प्लस, सो आफ्टर 10 years आफ्टर 10 years 10 सालों बाद एज ऑफ मदर बिकम एक्स प्लस 10 और एज ऑफ डॉटर बिकम वाई प्लस 10. ये 10 साल बाद की एज है. तो क्वेश्चन में हमारे पास है अप टू 10 years द एज ऑफ मदर विल बी ट्वाइस ओल्डर देन द डॉटर गिवन दैट आफ्टर 10 years एज ऑफ मदर इज इक्वल टू 2 times or twice एज
of data. तो एज ऑफ मदर 10 इयर्स एगो हमारे पास है x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 एंड टू एज ऑफ डॉटर हमारे पास है y प्लस 10. सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y और ये 2s के साथ भी मल्टीप्लाई कर ले 20. अब इसी 10 को इस साइड पे ट्रांसफर कर ले. सो x इज इक्वल टू 2y plus 20 minus 10. So x is equal to 2y plus 10. Say this is equation 2. अब x की जगह put कर ले 4y minus 30. Put x is equal to 4y minus 30. तो क्या आएगा? 4y minus 30 is equal to 2y plus 10. 30 को इस साइड पे ट्रांसफर कर ले. So 4y is equal to 2y plus 10 plus 30. 30 और 10 को प्लस कर ले 40 आ जाएगा और ये 2 इस साइड पे ट्रांसफर कर ले. 4 से 2 माइनस कर ले 2y is equal to 40 डिवाइड कर ले. सो y इज इक्वल टू 20 और y क्या है? एज ऑफ डॉटर. सो एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू 20. अब ये 20 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले. पुट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x इज इक्वल टू 4y माइनस 30. So x is equal to 4y minus 30. Y की जगह put कर ले 20. So 20 multiply by 4 is 80 minus 30, which is equal to 50. This is age of mother. अब इसको verify कर लेते हैं क्या हमारा ये answer true है या गलत है. तो देखिए यहाँ पे 10 years ago, age of daughter becomes 20 minus 10, which is equal to 10. Or 10 years ago, age of mother becomes 50 minus 10, which is equal to 40. अगर आप इसके साथ multiply कर ले 4 time, तो ये आ जाएगा माँ की age. तो देखिए यहाँ पे 10 multiply by 4 is 40. तो ये condition तो ट्रू हुआ. अब सेकंड कंडीशन में है आफ्टर 10 इयर्स. तो इस 20 के साथ अगर हम 10 प्लस कर ले तो आ जाएगा 30. और अगर इस 50 के साथ भी हम 10 प्लस कर ले तो इससे आ जाएगा 60. तो ये है जो है ये अब टू टाइम्स है. देखिए यहाँ पे टू टाइम्स हो. तो अगर इसी 30 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर ले तो मदर की एज आएगी. मीन्स एज ऑफ मदर इज 2 टाइम्स एज ऑफ डॉटर. तो ये हमने वेरीफाई भी किया. तो इसका मतलब ये कि ये आंसर हमारे पास ट्रू है.